स्टडी आईक्यू में मैं प्रशांत मावनी आप सबका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज तारीख है 24 सितंबर 2017 एंड दिन है रविवार। आई होप आप सब लोग आपके रविवार को, संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा आदतों के बारे में। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि हम जो कुछ भी है वो बेसिकली हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, उसका सम टोटल है, इज़न्ट इट। ये चीज़ आप जानते भी होंगे और आपने कहीं पे सुनी भी होगी या पढ़ी होगी। फ्रेंड्स, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम क्रॉस हैंड्स करके जैसे खड़े रहते हैं, राइट, तो हमारी इसमें भी एक छोटी सी आदत रहती है कि कई लोगों का जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर रहता है या फिर अदर वे राउंड भी हो सकता है। आप एक बार इसको ट्राई करके भी देखिएगा कि अगर जब आप अगर आपका राइट हैंड ऊपर रहता है तो आप लेफ्ट हैंड को ऊपर रखकर इस तरह से थोड़े दिनों के लिए अभी अगर ट्राई कीजिएगा तो आप पाएंगे कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी या फिर अनइजीनेस रहेगी। और अगर नॉर्मल टाइम में तो आप अगर कॉन्शियसली भी डिसाइड किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में मैं अदर वे राउंड करूँगा, फिर भी आप पाएंगे कि वो नहीं हो पाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो कहने का मेरा मतलब है वो ये है फ्रेंड्स कि आदतें बदलना थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन इस जगह पर ये चीज़, ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आप सब लोगों को वीर सर के साथ आप सब जुड़े हुए हैं और आई एम नो डाउट वीर सर का जो डिस्कशन होता है, उनकी जो बातें होती है वो अप टू द मार्क आउटस्टैंडिंग होती है और बहुत लंबे टाइम से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी जब मैं संडे, जब से मैंने स्टार्ट किया है संडे के साथ आपके साथ इंटरैक्ट करना, तो आपने बहुत ही पॉजिटिवली उसको स्वीकारा है। ये कहीं ना कहीं जो एक आपकी जो आदत है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे और संडे अचानक मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, फिर भी आप जिस तरीके से पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी क्यूरियोसिटी है और इसी क्यूरियोसिटी को मैं सलाम करता हूँ। आपकी जो क्यूरियोसिटी है फ्रेंड्स, वो एक बहुत बड़ा वरदान है। ये सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में ही नहीं लेकिन पूरी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो कीप दिस स्पिरिट अप एंड ऑफ कोर्स कल मंडे है तो कल से फिर से वीर सर ही ये द हिंदू एनालिसिस संभालेंगे। सो हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट, कीप इट अप। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नवरात्रि की ऑफर चल रही है, 30% डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारी पेन ड्राइव और टेबलेट कोर्सेज में। हमारे पास SSC, बैंक, UPSC और दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अलग अलग पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। इन नंबरों पर फ़ोन कीजिएगा या फिर हमारी studyiq.com की वेबसाइट पर चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है दिमाग में। एंड रिमेंबर कि ये जो ऑफर है ये 29 सितंबर तक ही वैलिड है, तो 30% डिस्काउंट का बेनिफिट उठाना है तो डू इट बिफोर 39 सितंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये बहुत ही बड़े दो टॉपिक हैं जो आपको अखबारों में पढ़ने को मिलते होंगे, न्यूज़ चैनल्स में आप देखते होंगे, राइट। और इंडिया ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और इस साल, लास्ट ईयर भी प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए थे और इस साल भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, तो उन्होंने जनरल असेंबली को एड्रेस किया है, उन्होंने जनरल असेंबली को भारत जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली भारत ने, सुषमा स्वराज जी के द्वारा भारत ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। उनकी 22 मिनट की स्पीच थी और ये स्पीच उन्होंने हिंदी भाषा में संबोधित किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया था और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, उन्होंने भारत के बारे में बात की थी, यहाँ तक उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के ऊपर सारी ये जो चीज़ें चल रही है, पाकिस्तान को ट्रबल प्रोवाइड कर रही है, सारी चीज़ों के बारे में इल्ज़ाम लगाए थे। हम सब जानते हैं कि रियलिटी क्या है, इनफैक्ट पूरी दुनिया जानती है कि टेररिज्म और ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो पाकिस्तान में बहुत फल फूल रही है, इज़न्ट इट। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट भी कर रही है। तो इसी को रिप्लाई देते हुए सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए यहाँ पे उन्होंने नाम लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ों को, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दूसरी नेशनल लेवल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसकी जो रीड बिटवीन द लाइन्स है, उसके पीछे जो मैसेज है, उसको भी पकड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात हो रही है, इनफैक्ट
इंडिया का ही ये स्टैंड है। इंडिया का स्टैंड क्या है कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वातावरण रहे, हम डायलॉग यानी कि बातचीत के लिए भी तैयार है पाकिस्तान के साथ। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि टेररिज्म और टॉक्स, राइट, ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो टेररिज्म ख़त्म कीजिए, उसके ऊपर लगाम लगाइए और तब ही हम आपके साथ टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दूसरे भी करारे अटैक किए हैं और यह सही भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल जो भारत है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो पॉवर्टी को एलिमिनेट कर, गरीबी को हटाने के लिए भारत कार्यरत है। सारे जितने भी प्रयत्न किए जा रहे हैं वो गरीबी को हटाना, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, गरीबी को हटाना इसलिए इम्पोर्टेंट है। गरीबी बेसिकली हमारे देश में आप समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी को कहीं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक चल के जाना है और वो कुछ भी चीज़ उठाए बिना चल के जाए तो वो बहुत ही इजीली पहुंच सकता है, इज़न्ट इट। लेकिन गरीबी ऐसी चीज़ है कि आपके साथ 50-50 किलो 60 किलो की अगर आपको बैग दी जाए और अगर आपको उठाकर जाना है तो आपकी स्पीड कम होगी, आपको ज़्यादा थकान लगेगी। सेम थिंग हैपन्स विद अ कंट्री एज वेल। जब कभी किसी कोई देश, और भारत में आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो गरीब है, पॉवर्टी पुअर पीपल है, वो भारत में रहते हैं, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ भी है और ये ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। कौन होगा ऐसा आदमी जिसको रात को भूखा सोना पसंद है, इसलिए कौन होगा ऐसा आदमी जिसको अच्छे कपड़े पहनना पसंद नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें गरीबी के साथ जुड़ी हुई है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट है और आपकी मेंस एग्जाम के लिए और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये पॉइंट आप ले सकते हैं कि पॉवर्टी जो है वो पुअर पीपल जो है, जो गरीब लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो लाचार हैं, और ये उनकी जो स्थिति है लाचारी की, अगर वो है भी तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा मैसेज है इंडिया का और ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है हमारी गवर्नमेंट की कि ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं किसी को प्रोवाइड करोगे तो आप कैसे ऐसे मान सकते हो कि वो कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी एंगल में डेवलप हो सके। तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। इसी के साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए जो माहौल भारत बना रहा है उसके बारे में भी बात कही, जन धन योजना के बारे में बात कही। आपको पता ही होगा कि जन धन योजना जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप एक छोटे से जो लारी निकालते हैं या फिर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, राइट, फुटपाथ के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उस कंटेक्स्ट में सोचिए कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर आप एक लेबरर हैं जो भारत के दूसरे स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, तो हमें पता है ये सारी चीज़ें होती रहती है कि यहाँ पे मजदूरी करके 5,000 रुपये उन्होंने कमाए, पीछे पूरा फैमिली है उनका दूसरे अपने ओरिजिन स्टेट में, तो वो पैसे उसको कैश में ट्रांसफ़र करने पड़ते थे। और कई बार ये भी होता था जो जिस व्यक्ति ये कैश लेकर जाते हैं तो कई बार बता देते हैं कि यार ट्रेन में लूट हो गई, पैसे चले गए। दूसरी चीज़, 5,000 रुपये के ऊपर 300-400 रुपये कमीशन ले लेते हैं। तो आप सोचिए कि कोई मजदूर जो व्यक्ति है उनके लिए 300-400 रुपये एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब उनके पास बैंक अकाउंट खुल जाता है, राइट, जब बैंक अकाउंट की फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो भी कैसे कि आप कोई भी आईडी कार्ड लेकर जाइए और आपका जनधन अकाउंट खुल जाएगा। तो जब प्रोसेस इजी हो जाएगी तब लोग जाएंगे, अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट खोलने के बाद एक यहाँ पे होगा, एक दूसरे स्टेट में होगा, तो इजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी होगी। इसके साथ भी 5,000 रुपीज़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो छोटे छोटे 2,000-3,000 रुपये के लिए किसी के पास से लोन नहीं लेनी पड़ेगी, फॉर्मल लोन्स मिलेगी, अपने सेविंग्स वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है, तो इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। मुद्रा योजना, उसके बारे में भी जानते होंगे कि जो 50,000 रुपीज़ की लोन, 50,000 से 5 लाख रुपीज़ की लोन, 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ की लोन, तो ये सारी फॉर्मल लोन्स, राइट, ये कौन प्रोवाइड कर रही है? बैंक प्रोवाइड कर रही है, ना कि कोई प्राइवेट फाइनेंसर के वैसे भी जो टर्म्स एंड कंडीशन और जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत ही हाई रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे भारत गरीबी हटाने में मदद करा, और ये सारे बकायदा उन्होंने प्रेजेंट भी किया है उनके भाषण में। उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात कही, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला स्कीम जिसपे एलपीजी सब्सिडी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस की बॉटल्स, उसका कनेक्शन और उसके ऊपर सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जहर प्रोवाइड करना, तो महिलाओं के लिए एक एम्पावरमेंट है ये, क्योंकि आपको पता है 4-5 घंटे चूल्हे चौके पर जो कुकिंग होती है तो उससे तकरीबन 20 सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उनको स्मोक करना उसके इक्विवेलेंट है। तो आप समझ सकते हैं उनकी हेल्थ के लिए लकड़ी लेने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ता है, वहाँ पर एनिमल से भी खतरा है और कई बार दूसरे लोगों से भी खतरा है, राइट। हम पता है कि रेप्स, ये सारी चीज़ें भी होती है हमारे देश में, ये सारी नई बात नहीं है कि जंगल में लकड़ी काटने गए और पता चला ऐसे क्राइम हो गए उनके साथ। बच्चों के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई में भी ध्यान रख पाएंगी माता और उनको उनको पोषण भी प्रोवाइड कर पाए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो डिज़ाइन है, ये सारी जो स्कीम्स है, तो इसके पीछे ये सारी चीज़ें काम करती है। जीएसटी के बारे में भी उन्होंने बात की। इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी याद दिलाया है कि आपने अगर यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे आप कश्मीर का इश्यू उठा रहे हो तो आपको पता है कि शिमला एग्रीमेंट में, लाहौर डिक्लेरेशन में, ये दोनों चीज़ों में, ये शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन में ये दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है, दोनों देश एग्री किया है कि कश्मीर का जो मुद्दा है ये बायलेटरल सोल्व किया जाएगा, यानी कि ये दोनों देशों के बीच में ही सोल्व होगा, थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है, वो चाहे यूनाइटेड नेशन हो, यूएसए हो, रशिया हो या चाइना हो, तीसरा कोई भी थर्ड पार्टी इसमें उसका कोई जगह ही नहीं है। ये क्लियरली ये दोनों चीज़ों में हमने साइन किया है और फिर भी आप यूनाइटेड नेशन में और यूएसए, ये जो पाकिस्तान है वो चाहता ही है कि जो कश्मीर का इश्यू है वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हॉट इश्यू बनकर हमेशा बना रहे। तो इसीलिए हर साल हम देखते हैं कि वो लगातार ऐसे प्रयत्न करता रहता है कि ये जो कश्मीर का इश्यू है वो यूनाइटेड नेशन या दूसरे प्लेटफॉर्म में वो अपने जो भी मन में आए वो बोल सके। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2015 में नवाब शरीफ साहब ने कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, राइट, इसका प्रस्ताव रखा था। इंडिया ने कहा चलो ठीक है, अगर इससे बायलैटरल डायलॉग आगे बढ़ते हैं, शांति बढ़ती है, प्रोग्रेस होता है तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी बीच में हम देखते हैं लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं हमारे देश के ऊपर, तो फिर फिलहाल जो टॉक्स है वो ब्लॉक्ड है, हमने बातचीत करना बंद कर दिया है। और इंडिया ने यह भी याद दिलाया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को कि ये कमिटमेंट आपका था तो आपकी ही ड्यूटी है कि पीसफुल जो प्रोसेस है का या फिर शांति का वातावरण है वो आपको बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं जापान से, जापान और इंडिया के रिलेशन। अभी हमने हाल ही में देखा कि प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे साहब यहाँ पे आए थे और उनकी जो मीटिंग है उसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई, बुलेट ट्रेन्स के बारे में थी, चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, एशिया अफ्रीका कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, इज़न्ट इट। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक दूसरा एंगल अगर प्रोवाइड करूँ, देखिए जापान हमसे बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, हमसे बड़ी इकोनॉमी भी है और इसके साथ साथ उनके पास पैसे भी है, इज़न्ट इट। तो जब भारत किसी देश में, अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने देखा ब्रिक्स की मीटिंग खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी म्यांमार गए थे, तो वहाँ पे हमने कहा कि आपके जो मंदिर हैं उसको हम रिफर्बिश कर देंगे, उसकी जो मरम्मत करनी है वो सारी चीज़ें भारत प्रोवाइड करेगा, तो उसकी जो इम्पैक्ट है वहाँ के लोगों के ऊपर, राइट, तो वो क्या होगी आप समझ सकते हैं कि वहाँ के मंदिर हम बना रहे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए हम प्रोमिसेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के दिल में भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, इज़न्ट इट। उनके दिल में और उनके दिमाग में हमारे लिए एक इज्जत बनी रहेगी। सेम कंटेक्स्ट में अगर जापान से जब हमें बुलेट ट्रेन एक सॉफ्ट लोन के तहत मिलती है, इतने सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं भारत के अंदर और जब हम पता चलता है कि एक सॉफ्ट लोन के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है जापान से, हमें मिलिट्रीली अगर हमें विमान भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे हमारे जिस तरीके से हम जापान को देख रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जब भारत दूसरे देशों की मदद करता है तो सेम फीलिंग्स उन लोगों के मन में भी, उन देश के लोगों के मन में भी पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल के लिए और दो देशों के बीच में जो रिलेशंस है उसको बिल्ड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसी कंटेक्स्ट में जापान से फंड प्रोवाइड किया जाएगा और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये गुजरात और हरियाणा में डेवलप की जाएगी। फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर $100 बिलियन, आप सोचिए $100 बिलियन जो जापानीज फंड है
तो ये पहली बार इसमें यूज़ होना शुरू होगा, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे करके हम यूज़ करेंगे। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये 6 स्टेट से पास होता है फ्रेंड्स, राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैप भी है, ये लाइन है। और इसी को देखिए, ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगी, यानी कि ये जो डिटेल्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें तो यस द हिंदू में अवेलेबल है, लेकिन अगर इस मैप का हम एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि हमें पता है जो दिल्ली है या फिर ये जो राजस्थान है या फिर हरियाणा, ये सारे लैंड लॉक्ड है ना, ये जमीन से घिरे हुए स्टेट्स हैं। इनके पास वर्ल्ड को अगर कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करनी हो या इम्पोर्ट करनी हो तो उनके पास ऑफकोर्स एयर कनेक्टिविटी है, लेकिन आपको पता है एयर कनेक्टिविटी इज़ एक्सपेंसिव। तो द बेस्ट रूट इज़ वाटरवेज। अगर हम किसी भी चीज़ को वाटरवेज से सप्लाई कर सकते हैं तो वो बहुत ही कम लागत में हम ला सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। तो ये जब कॉरिडोर, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली और ये जितने भी स्टेट्स हैं, ऑफकोर्स गुजरात तो उसके पास सबसे बड़ी लंबी कोस्टल लाइन है, लेकिन दूसरे जो स्टेट्स हैं उनको भी ओशियन का या फिर आप कह सकते हैं वाटरवेज का एक एक्सेस मिल जाएगा, इजंट इट। तो इससे उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों में ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पूरा का पूरा जो ये रोड है, यहाँ पे बहुत सारे, छोटा एग्जांपल अगर लें तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स और व्हीकल्स पास होंगे इस रोड के ऊपर से, इजंट इट। तो बहुत से पूरी की पूरी इकोनॉमी है इस पूरे रीजन की, उसमें एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। फिर टाइम भी कम हो जाएगा इस ट्रांसपोर्टेशन में, तो जितनी भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, देखिए फॉर एग्जांपल कश्मीर से वाया प्लेन अगर आपको दिल्ली में वहाँ के जो सेब है या फिर सेफ्रोन है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती है, तो यहाँ से आगे आप वाया रोडवेज भेज सकते हैं। और ये सारी चीज़ें पेरिशेबल, यानी कि इनकी जो डेट होती है ये 3-4 दिन तक अपनी मैक्सिमम फ्रेशनेस रहती है, उसके बाद धीरे धीरे ये बिगड़ जाते हैं। तो टाइम पे अगर चीज़ें पहुँच जाती है तो उसका कंजम्पशन भी हो जाएगा और लॉस भी नहीं होगा। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर जोड़ भी सकते हैं। ये रहे 6 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फिर हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये 1500 किलोमीटर लंबा हाईवे होगा और यहाँ पे एक डेडिकेटेड, बेसिकली ये 1500 किलोमीटर हाई कैपेसिटी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर है ये। तो रेल कॉरिडोर से भी फ्रेंड्स ये होता है कि अगर आप रोड और रेल इन दोनों का कंपेरिजन करें तो आप पाएंगे कि वाया रेल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना रोड के कंटेक्स्ट में बहुत ही चीप है। आप ट्रक्स में, अगर ट्रक में से माल भेज रहे हैं या फिर आप जो मालगाड़ी होती है रेलवे में भेज रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रेल ज़्यादा और कम दाम में आपकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द होल कंट्री। इसके अलावा जापान की भी थोड़ी, ये जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसे जीका भी आप कह सकते हैं। और सॉफ्ट लोन के बारे में भी यहाँ पे बात हुई है कि जो सॉफ्ट लोन है भारत की, जो भारत को प्रोवाइड करने वाली है जापान, तो सॉफ्ट लोन का बेसिकली मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो बहुत ही रीजनेबल रहती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम रहता है 0.1%, और फिर पेमेंट डेट्स भी बहुत ही लंबी होती है 40 ईयर्स तक, और उसमें भी 10 साल का ग्रेस पीरियड रहता है, यानी कि 10 साल तक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो ये काफ़ी अच्छी ही चीज़ है, इजंट इट, ये भारत के लिए बहुत मुनाफे वाली चीज़ है। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ये अहमदाबाद से धोलेरा यहाँ तक एक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ से फिर दूसरी जगह पर चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकती है। और इसी के साथ ही अहमदाबाद एक बहुत बड़ा सिटी है तो इसका बेनिफिट भी इस रीजन को मिलेगा। और हरियाणा में भी ये मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन भी बनाया जाएगा इसी मदद से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अरविंद सुब्रमण्यम साहब, आपने इनका नाम भी सुना होगा और आपने इनको देखा भी होगा आई एम श्योर। ये हमारे भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। अब नाम पर ही आप समझ सकते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यानी कि जब आर्थिक बाबत में या फिर इकोनॉमी की जब भी बात होती है और उसके लिए अगर आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत है, राइट, देश को जब एडवाइस की ज़रूरत होती है तो हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम साहब। बेसिकली वो
उनका टर्म जो है वो ख़त्म होने को आया था, 3 साल का टर्म था उनका, और वो चाहते थे कि वो फिर से एकेडमिक्स की तरफ आगे बढ़े, राइट, वो पढ़ाई और ये सारी चीज़, बेसिकली यूएस में फिर से लौट जाना चाहते थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें रिक्वेस्ट की, उनको मनाया कि आप अभी मत जाइए, आप भारत सरकार के साथ काम कीजिए, तो और वो मान भी गए हैं, तो उनकी जो टेन्योर है उनका 1 साल एक्सटेंड कर दी गई है, तो वो अब 1 साल और भारत के साथ काम करेंगे, अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो अरविंद सुब्रमण्यम साहब है, तो उन्होंने 3 जो बड़ी चीज़ें हैं वो उसका जो आइडियाज़ हैं वो इनके पास से आए हैं। 1 इज़ जाम ट्रिनिटी, जाम का मतलब है जनधन, आधार एंड मोबाइल। दूसरी जो है बैड बैंक के ऊपर उन्होंने कहा है किस तरीके से हम ये बैड बैंक क्रिएट करें जिससे कि जो पूरी की पूरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो सारी एक जगह पर आ जाए, और यही जो बैड बैंक है वो इस लोन्स के साथ डील करे, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी, जिसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि भाई बहुत सारी सब्सिडीज देने से, दूसरी अलग अलग चीज़ों के ऊपर राहत देने से अच्छा है कि आप एक काम करो कि यू कैन गिव कैश, राइट, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा मिनिमम इतने पैसे हर किसी भारतीय के पास होने ही चाहिए और वो सरकार प्रोवाइड करे, तो ये इस चीज़ के बारे में भी जो प्रस्ताव था वो उन्होंने ही रखा था। इसके अलावा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर को किसी भी चीज़ के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में मैटर्स में अगर उनको कोई सलाह मशवरा चाहिए तो ही इज़ द पर्सन टू गो टू। एंड इसके अलावा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें है इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो निकालने की जिम्मेदारी जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की रहती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैलाश सत्यार्थी, आपने इनका भी नाम सुना होगा, इनको नोबल पुरस्कार मिला है, राइट, और इनको नोबल पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि इनकी उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो बच्चों की भलाई के लिए या फिर उनको डेवलप करने के लिए, कई बार भारत में आपने हमने देखा है ट्रैफिक सिग्नल्स पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, राइट, और बहुत सारे बच्चों का शोषण भी किया जाता है और उनकी ट्रैफिकिंग भी होती है और स्लेवरी, ये सारी चीज़ें, गुलामी करवाना, छोटे छोटे बच्चों के पास से काम करवाना, ये बहुत ही दुखद चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों के सामने इन्होंने लड़ाई की है, लड़ाई करते रहे हैं और करते भी रहेंगे, राइट, होपफुली। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने एक कैंपेन शुरू किया है, भारत यात्रा कैंपेन, और ये भारत यात्रा कैंपेन के पीछे जो मेन एम है वो ये है कि पार्लियामेंट संसद लॉज बनाए जिससे कि हम ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग है ये सारी चीज़ों को रोक सके। इसके अलावा उनकी जो लड़ाई है वो रेप के सामने है, सेक्सुअल एब्यूज के सामने है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सामने है, तो इन चीज़ से पर्टेनिंग है ये भारत यात्रा। और इसी कंटेक्स्ट में एक दूसरी भी न्यूज़ है आज द हिंदू में, संडे में, और ये है चाइल्ड मोर्टालिटी के कंटेक्स्ट में। एक बहुत ही प्रसिद्ध मैगज़ीन है, जर्नल है, जिसका नाम है लैंसेंट, ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, हिंदू न्यूज़ में बहुत टाइम से हिंदू न्यूज़पेपर जो हैं उसमें लैंसेंट के रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, और लैंसेंट ऐसे कि मैंने बताया वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके रिपोर्ट्स जो हैं वो हम काफ़ी हद तक इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चाइल्ड मोर्टालिटी है, जो बच्चों का भारत में सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं वो मर जाते हैं कंपेयर टू दूसरे जो सब सहारन कंट्रीज, जो अफ्रीका में सब सहारा डेजर्ट है तो उसके आजू बाजू के जो कंट्री है वो भी बहुत गरीब देश है, तो वहाँ पर भी वहाँ जो बच्चों की मरने की जो संख्या है वो भारत से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत इतना भी अच्छा नहीं है ऑन वर्ल्ड लेवल जिस तरीके से हम हैं, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही बेटर होना चाहिए, लेकिन प्रयत्न चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंद्रधनुष योजना है, मिशन इंद्रधनुष है, और दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री द्वारा चलाए जाते हैं जिससे कि जो कुपोषण है उसको हम हटा सकें, जिससे कि जो छोटे बच्चे जो पैदा होने के बाद तुरंत मर जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम रोक सकें। बेसिकली फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे, वो सिर्फ एक परिवार से ही उनका ताल्लुकात नहीं होता, उनका देश के साथ भी एक रिलेशन होता है, और देश के साथ ये रिलेशन होता है कि अगर हमारे बच्चे, देखिए आज अगर आंकड़ों के ऊपर हम नज़र डालें अलग अलग रिपोर्ट्स के, तो हम पाते हैं कि भारत में 40%, आप सोचिए 40% जो बच्चे हैं आज भी भारत में कुपोषण का शिकार है, वो दिमाग और
दिमागी और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। तो आप सोचिए, यही जनरेशन, यही बच्चे आज के 15-20 सालों के बाद जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करेंगे और जब ये इकोनॉमी में एक इकोनॉमी का भाग जब बन जाएंगे, तो तब आप सोचिए कि अगर उनकी 40% पॉपुलेशन, अगर 100 में से 40 जो हमारे नौजवान हैं वो कभी ना कभी साल में 2 महीने 3 महीने बीमार रहते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है या फिर उनकी दिमागी क्षमता ही इतनी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव काम कर सके, तो आप क्या आपको लगता है कि जो यूनाइटेड नेशन में हमने गरीबी हटाने की बात कही है उसको हम टैकल कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, राइट, जो हम दूसरी अच्छी चीज़ों में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें एक्सपेंस करनी पड़ेगी, हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने जो इन 40% लोग हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब है ज़्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए हमें, ये बहुत सारी चीज़ें, आप समय बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन को डेफिनेटली हमें चेंज करना ही होगा, और ये तभी होगा जब उनके जन्म से पहले, जब प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर प्रेगनेंसी के बाद भी, और कम से कम 5 साल तक उनकी जो ये जो माल न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ों के अगर उसके ऊपर अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तभी ये चीज़ संभव हो सकती है। दूसरी जो बेसिकली ये जो प्री मैच्योर डेथ है वो उसमें ये रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ी कमी देखने को मिली है, यहाँ पे थोड़े आंकड़े हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इस रिपोर्ट ने ये भी बात कही है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटका, महाराष्ट्र है, तो इन स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है, और ये भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है ये रिपोर्ट के अगर इसी स्टेट के कंटेक्स्ट में दूसरे स्टेट्स ने भी इस तरह के स्टेप्स उठाए होते तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये 2015 तक अचीव करने थे, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेट किए गए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, तो उसको भारत अचीव कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हम इसे अचीव नहीं कर पाए हैं तो 2030, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नए नए गोल सेट करके जाएं और उसको कभी अचीव ना करें, लेकिन जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है तो लग रहा है कि वी वुड बी एबल टू अचीव दिस 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगेन ये यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए हैं और भारत इसमें एग्री किया है, सारे देशों ने जनरली एग्रीड है ऑन दिस 2030। 17 इसके गोल है और उसमें से एक गोल ये भी है कि मोर्टालिटी को घटाना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बीजेपी की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम वोट के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम जो उनकी जो पार्टी है तो उसकी पार्टी के बारे में, ऑफकोर्स ये एक उनकी पार्टी की ही बात है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के बारे में उन्होंने ये बात कही है कि वोट के पीछे नहीं भाग रहे, हम चाहते हैं कि भारत में डेवलपमेंट हो। एनीवेज हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा जो फोकस है वो ये है कि उन्होंने पशुधन आरोग्य मेला, दिस इज़ अ थिंग दैट इज़ लॉन्च्ड इन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये चीज़ें लॉन्च की है, ये जो मेला है उसका उद्घाटन किया है, इनोग्रेट किया है, और ये बेसिकली पशुधन के नाम से ही आप समझ सकते हैं, पशुधन आरोग्य, यानी कि जो एनिमल है, एनिमल हस्बेंड्री, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, मैं एक आपको लाइव एग्जाम्पल दूँ, लाइव इन द सेंस, रिसेंटली जो चीज़ हुई है भारत में, आपको पता है कि गुजरात में इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वहाँ के एक एरिया जो बनासकांठा नाम का वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बारे में न्यूज़ में बहुत सारी चर्चा हुई थी, इनफैक्ट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स भी लिखे गए थे। तो उसी में एक बहुत ही मज़े की बात थी कि वहाँ के जो लोग हैं, गुजरात के इस एरिया के लोग, उनकी ऑन एवरेज इनकम 15,000 से 20,000 रुपए सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन में से निकलती है, और कई कई फैमिलीज तो ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपीस से भी ज़्यादा है। तो आप सोचिए कि अगर आपकी जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, तो उनको अगर एनिमल हस्बेंड्री में भी अगर वो चीज़ें, अगर एनिमल हस्बेंड्री उनकी ठीक तरह से चल रही है तो दूध बेचकर वो बहुत सारी चीज़ें दूसरे सोर्सेस में से भी पैसे कमा सकते हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो भारत में पर हेड, यानी कि जो पर फार्मर है उसकी मंथली इनकम समवेयर अराउंड 3500 से लेकर 400 रुपीस है, राइट, दिस इज़ एवरेज। तो आप सोच सकते हैं कि इतने पैसे में उनका कुछ नहीं होने वाला अगर ये मंथली इतने ही पैसे कमा रहे हैं तो। लेकिन दूसरी चीज़ों को जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है या फिर बी कीपिंग है, फिशरीज़ है, ये सारी चीज़ों भी अगर एडिशनल साथ में हो तो जो इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक
इनकी जो इनकम है उनको डबल कर देना, तो ये फटाफट हो भी सकती है। इसके अलावा जब मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है तब इनका जो इनके जो कैटल्स हैं उनका अच्छा देखभाल हो सकता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है और किसान जो है उनके पॉकेट में से भी एक्सपेंसेस कम होंगे। दूसरी चीज़, भारत दुनिया का सबसे सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ये तब हो रहा है जब बहुत सारी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में है। अगर इन चीज़ों के ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं और इस एनिमल्स हस्बेंड्री के कंटेक्स्ट में इस सेक्टर को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत, आज का जो हमारा रिकॉर्ड है उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मिल्क की प्राइजेस भी कम हो जाएगी, इससे हर को किसी को पोषण भी मिलेगा, ये कुपोषण से भी हम फाइट कर पाएंगे, अपने आप गरीबी हट जाएगी, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक न्यू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी बन सकता है। इसी के साथ उन्होंने जो इज्जत घर, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार ने टॉयलेट्स को इज्जत घर नाम से संबोधित किया है, तो दिस इज़ ए वेरी क्रिएटिव आइडिया जिसने भी दिया है, वेरी नाइस, दिस वन, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। मूविंग ऑन, मेटिस टू मीट मोदी एंड निर्मला। निर्मला जी जो हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और मेटिस साहब यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी है वहाँ, उसका मतलब यही है कि वो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो वो भारत आने वाले हैं और भारत के साथ बातचीत करेंगे। ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, उनके काउंटर पार्ट निर्मला सीतारमन जी से मिलेंगे और उन्होंने यूएसए ने कहा है कि भारत जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और वैल्यूड पार्टनर है। जब हम साउथ एशिया या साउथ एशिया के बियॉन्ड भी जब हम बात करें, साउथ एशिया क्या है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा इन अ मिनट, और अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में भी यूएसए ने कहा कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र हो, अफगानिस्तान स्टेबल बने, प्रॉस्पर बने और सिक्योर रहें, इसमें भारत हमारी मदद कर सकता है और भारत जो भी कार्य कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। युद्ध अभ्यास चल रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो युद्ध अभ्यास 2017 यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यूएसए और इंडिया के बीच में और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो आपने बहुत अच्छे आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड किए थे। ये रहा साउथ एशिया, राइट, और साउथ एशिया के साथ जब साउथ एशिया की बात आती है तो ऑफकोर्स सार्क की भी बात आती है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, राइट। तो दिस इज सार्क, सार्क के जो देश हैं इसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ऑफकोर्स इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सारे 8 देश हैं, तो ये साउथ एशियन रीजन है। आपको ये क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि साउथ एशिया, जब भी आप कभी चीज़ के बारे में पढ़े कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और ये करने के लिए आपको दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस इन प्रोवाइड किए गए मैप के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और अगर आपको इसे और अच्छी तरीके से पढ़ना है देन आई वुड रिक्वेस्ट कि सार्क के साथ या फिर साउथ एशिया के साथ साथ आप एशिया का भी मैप निकाल कर देखिए, राइट, एटलास बुक में आप इसको देखिए और देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे इंडियन ओशियन है, किन किन देशों के पास ओशियन में एक्सेस है, किन किन देश लैंडलॉक्ड है, यह सारी चीज़ें, इनके कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऐड वैल्यू बाय योर सेल्फ। थर्ड, इंडिया इज थर्ड न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल, इंडिया थर्ड इन न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशंस, ये एक स्टडी की गई है और ये जो स्टडी है ये वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री के द्वारा की गई है, इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2017 बाहर है, तो भारत इज रैंकिंग थर्ड। जब बात करते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं है, न्यूक्लियर के ऊपर से जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं उसमें इंडिया रैंक थर्ड है। चाइना इज लीडिंग, चाइना के पास 20 नियरली है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और हमें पता है जो न्यूक्लियर से हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसे क्लीन एनर्जी कहा जाता है, तो ये डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में नेगेटिव बात भी कही गई है कि बहुत सारे देशों में से रिएक्टर्स कम होते गए हैं, राइट, 53 हो गए हैं, पहले ये 68 थे और हमें पता है किस तरीके से जापान में फुकुशिमा आया तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि अब हम नहीं चाहिए। जर्मनी में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं वो बंद होने को आए हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जर्मनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ का जो यूरेनियम है वो उनका रिसोर्स काफ़ी कम हो गया है, तो उसके हिसाब से भी वो कम, और उसी कंटेक्स्ट में दूसरे जो हैं सोर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे कि विंड पावर है, सोलर है, तो ये काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से भी ये स्विच ओवर हो रहा है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, एंड अनदर आइटम नॉट अनदर बट अनदर थिंग रिगार्डिंग न्यूक्लियर, और ये जो है ये भारत के कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, देखिए मंगोलिया है, प्रधानमंत्री जब मंगोलिया गए थे 2014 में तब भी
मंगोलिया, ये बेसिकली ये इंटरनेशनल माइनिंग का मैप है न्यूक्लियर का, यूरेनियम का। तो मंगोलिया भी हमें यूरेनियम प्रोवाइड करेगा, कुडमकुलम के साथ रशिया भी जुड़ा हुआ है, उज्बेकिस्तान भी हमें प्रोवाइड करने वाला है। कनाडा के बारे में थोड़े दिनों पहले ही वहाँ का डेलीगेशन भारत में आया था, तब उन्होंने बात की थी। यूएसए की वेस्टिंग हाउस ये भी प्रोवाइड करने वाली है हमें, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में प्लांट्स बना रही है या बनने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्लियरली कहा है कि ऑस्ट्रेलिया मेजर प्लेयर है, 20% यूरेनियम है इनके पास, तो वो भी प्रोवाइड करेगा। कजाकिस्तान भी भारत को प्रोवाइड करने वाला है। और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जब नामीबिया गए थे तब उन्होंने, भारत और नामीबिया ने भी करार किया है कि वहाँ से हमें चीज़ें मिल पाएंगी। तो दिस इज़ ए बिग पिक्चर। और लास्ट आइटम है फ्रेंड्स, और ये है इंडियन मॉनसून, और एक बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई का नाम है मिल्कवीड बटरफ्लाइज, राइट। आपको शायद ये थोड़ा उटपटान लगे कि ये क्यों बटरफ्लाई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप पास्ट क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के उठाकर देखिए तो आप पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द यूनिक थिंग अबाउट दिस मिल्कवीड बटरफ्लाई इज दैट कि जब भी साउथ वेस्ट मानसून, देखिए ये भारत है राइट, भारत का साउथर्न साइड है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून, जब भी मानसून यहाँ से बेसिकली आती है तो इसे साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ और वेस्टर्न साइड, दिस इज वेस्टर्न इंडिया इज इट, तो और ये है नॉर्थ, ये ईस्टर्न पार्ट है और दिस इज नॉर्थर्न पार्ट। सो यहाँ से आने वाली जो बारिश है उसे हम नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स कहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। तो दिस इज अ बिग सीजन, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट इज अ बिग मानसून सीजन जो फिलहाल अभी ही खत्म होने को है। तो इस टाइम के ऊपर ये जो वेस्टर्न घाट में से ये जो बटरफ्लाइज हैं वो ईस्टर्न साइड चले जाते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होती। आपको पता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में नॉर्थ ईस्ट विंड से बारिश होती है, तो इस टाइम पे ये यहाँ पे चले जाते हैं, फिर यहाँ पे अपने अंडे रखते हैं, फिर वहाँ से जो उनके बच्चे होते हैं वो फिर जब यहाँ पे बारिश होनी शुरू होती है तब इस टाइम पे इस साइड पे बारिश नहीं होती है, तो दे माइग्रेट टू दिस साइड। तो ये पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, इज़न्ट इट। तो ये एक यूनिक थिंग है इस बटरफ्लाई की, तो ऐसे क्वेश्चन शायद पूछा जाए, तो याद रखिएगा दिस इज मिल्कवीड बटरफ्लाई। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपके लिए कुछ क्वेश्चन है राइट, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी मैंने डाला है ताकि आपकी थोड़े थोड़े लेवल पर मेंस की भी एग्जामिनेशन हो, तो इसको भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको 200 शब्द में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन मेन पॉइंट्स भी इसके बारे में लिख सकते हैं। एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, ऑफ कोर्स आई विल चेक देम ऑल। अगर मैं सारे के सारे रिप्लाईज ना कर सकूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको रिप्लाई नहीं किया है तो मैंने वो देखा नहीं है। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि अगर 50-60-100 क्वेश्चन आंसर्स आए हैं तो सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आई गो थ्रू ऑल ऑफ देम, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ आप यू कैन बैंक ऑन मी राइट। ये मेरी प्रॉमिस है कि मैं आप सबके आंसर्स चेक करूंगा। डोंट फॉरगेट टू गेट योर पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस, 29th सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर द डिस्काउंट राइट। अगर आपको ये लेक्चर चाहिए फ्रेंड्स तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, टेलीग्राम चैनल, और कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि वेबसाइट में कहाँ पे मिलेगा या फिर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, इस वीडियो के जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जाइए, वहाँ पे बकायदा आपको हमारी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी और क्लिक कीजिए एंड यू विल बी कनेक्टेड टू आवर टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल जो है स्टडी आईक्यू की, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर दिस लेक्चर आपके फ्रेंड्स के साथ, दूसरे जो आपके ग्रुप्स हैं जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके साथ शेयर कीजिए। इन लेक्चर स्लाइड्स को भी शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज कुछ जानने को मिला, अगर आपको कोई नई चीज़ें जानने को मिली या फिर ओवरऑल अगर अच्छा लगा यह लेक्चर, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी योर लाइक एंड कमेंट दीजिए, वैल्यूएबल फीडबैक्स प्रोवाइड कीजिए राइट। देखिए हेट स्पीच ये सारी चीज़ें आपको शोभा नहीं देगी क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम और वैल्यूएबल फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। तो डू पार्टिसिपेट, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एज वेल। एंड इसी के साथ आपका संडे बहुत अच्छा जाए, कल आपको वीर सर मिलेंगे फ्रॉम टुमोरो टू नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन होपफुली नेक्स्ट संडे हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए माय बेस्ट विशेस आर फॉर यू, जय हिंद।